मतलब इससे आपको ये सीखना है, इससे आपको क्या सीखना है, ये सीखना है थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा डीमोटिवेशन, ये सीखना है कि हमने देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 लिया था, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 लिया था, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 लिया था, और 2x+3 पिछले स्लाइड में ऑन टू था, इस स्लाइड में इन टू हो गया। ऐसा क्यों हो गया? डिपेंड कर रहा है डोमेन और कोडोमेन पर, यानी डिपेंड कर रहा है इन्वायरमेंट पर जिसमें आप रहते हो। इसका मतलब इटसेल्फ यू हैव नो वैल्यू, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप जहां रहते हो उसी का इफेक्ट लेके आप आगे बढ़ रहे हो या कांस्टेंट रह रहे हो। सेम वही, यानी आपकी सारी की सारी जो हम बोलते हैं ना फ्यूचर, फ्यूचर बच्चों कभी प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये गलत बात होती है मोटिवेशन। फ्यूचर हमेशा पास्ट पर डिपेंड करता है, जैसा आपका पास्ट है आप उसको बदल सकते हो प्रेजेंट में, है ना, लेकिन डिपेंड तो पास्ट पर ही, चूंकि आप जैसे ही एक दिन बीता कल के लिए वो पास्ट हो गया, है कि नहीं। तो आपका एनवायरमेंट ही आपको आगे रिजल्ट बताता है। फंक्शन तो देखो वही लिए थे, ऑन टू भी था, वही लिए थे, इन टू भी था, डिपेंड किया कि है कहाँ, है कहाँ, इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है। होते हैं ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि क्या ऐसा हो गया, क्यों नहीं समझ में, तो और आप ज्यादा अटैच करो और ज्यादा अटेम्प्ट करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मोटिवेशन अच्छा है ये, है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब, कि चलो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है विथ रियल फैक्ट। बाकी तो देखो बच्चों आपको पता है, दिसंबर में भी हम बोल सकते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में बिना पढ़े आपका जेई मेन में हो जाएगा, बोल सकते हैं। अनपच हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। अब